दो माह पूर्व सामने आए मजदूर की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या करार देते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर इस मामले में जांच की मांग उठाई। दरअसल पुरानी छावनी निवासी शिव कुमार ओझा 24 जनवरी को साईं विहार कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान की सीटें खाली करने गया था। इस निर्माणाधीन मकान के रास्ते असुरक्षित तरीके से पानी का टैंक खुला हुआ था, जिसमें गिर जाने से शिव कुमार की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर पड़ताल शुरू की। पुलिस इस पड़ताल में यह सामने आया कि शिव कुमार की पानी के टैंकर में डूबने से मौत हुई। इधर इस मामले में मृतक के परिजनों का कहना है कि निर्माणाधीन मकान के मालिक द्वारा जबरदस्ती ईंटें छत पर डलवाई जा रही थी, जिसके चलते शिव कुमार की टैंकर में गिरने से मौत हो गई। लेकिन पुलिस इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने की जगह मामले को टालम टोल भरा रवैया अपना रही है। कैसे ईंट खाली करने गए? कहाँ पे गए थे? तो क्या क्या शिकायत लेके आए उनके आप? हमें कुछ सबूत मिलेगा, हमें कोई पता नहीं कैसे मारो कैसे नहीं मारो। कार्रवाई चाहते हो? ऊपर डरो तुम्हारा मारा थे वहाँ पे तो कुछ नहीं मिला, बॉडी मिली थी टैंक पे डली। तो हमने बोला था कि सब घर वाले को आ जाने दो, ना तो सर पुलिस वाले ने चलन दी हमारी और ना घर मालिक ने ना राजू ने। तो हम वहाँ पे से घर पे पहुँचे, घर से हम कोतवाली पहुँचे, कोतवाली से वैसे बिना पोस्ट मास्टर की बाँध घुसता है हमको मिलने नहीं देंदे व्यक्ति से। तो क्या चाहते हैं आप? राजू की और उसकी कार्रवाई करवाएं घर मालिक, उसका पानी का टैंक भी खाली हो गया। आपको शक है उन पर? हाँ, उनका शक है घर मालिक पर और राजू पर।